नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। भारत विकास परिषद भवभूति शाखा डबरा द्वारा चिनोर रोड स्थित माहेश्वरी पौधशाला के पास शहर की पहली शीतल जल प्याऊ का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में परिषद के पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष श्री दीपक भार्गव जी, भवभूति शाखा के अध्यक्ष राजकुमार श्रीवास्तव जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष प्रदीप माहेश्वरी जी, पूर्व संस्थापक अध्यक्ष श्री प्रमोद समाधिया जी, पूर्व अध्यक्ष आर के श्रीवास्तव जी, पूर्व अध्यक्ष राजीव श्रीवास्तव जी, पूर्व अध्यक्ष नवल दुबे जी, पूर्व सचिव आशुतोष श्रीवास्तव जी और भवभूति परिवार के सम्माननीय साथी श्री राजकुमार सोनी जी, सुरेश बघेल जी और धर्मेश श्रीवास्तव उपस्थित थे। डबरा हिंदुस्तान से ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट। और प्रतिवर्ष शहर में दो या तीन क्या हम लोग लगाते हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज ग्राम को हमने अपना क्या हुआ यहाँ उद्घाटन किया है, जिसमें हमारे परिषद के सभी साथी आज श्री प्रमोद समाधिया जी संरक्षक हैं परिषद के, कृपया बताएं इस अवसर पर कुछ दो शब्द कहें। वंदे मातरम। भारत विकास परिषद ने कोरोना की जो महामारी चल रही है विश्व के अंदर, इसके अंदर भारत देश के अंदर बहुत ही अविस्मरणीय काम किए हैं। हर क्षेत्र में सेवा का काम करती है। डबरा के अंदर हमारी शाखा के द्वारा सबसे पहले शायद मेरे ख्याल से नगर पालिका में और अन्य कोई संस्थाओं के द्वारा अभी प्याऊनी लगाई गई है। हमारी संस्था के द्वारा आज प्याऊ का उद्घाटन किया गया है, क्योंकि ऐसी भीषण गर्मी में जबकि तापमान 40 से 47 डिग्री चल रहा है, राहगीरों को गाँव से आ रहे हैं, बैंकों में आ रहे हैं और भी काम के लिए आ रहे हैं, पानी की व्यवस्था नहीं थी, इस मारे हवाई शाखा के द्वारा आज प्याऊ का प्रारंभ किया गया है सेवा के कार्य में, और हम लोग निरंतर गत वर्षों से यह करते चले आ रहे हैं। पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष दीपक भार्गव जी, जो 5 प्रकल्प जो है अपने, इसमें प्याऊ किस प्रकल्प के अंतर्गत आती है, थोड़ा सा आप प्रकाश डालें इस पर। भारत विकास परिषद ऐसे जो 5 सूत्र है उसमें सेवा जो मध्य में स्थित है 5 सूत्रों के, उसके अंतर्गत यह प्रकल्प आता है। और आदरणीय जैसे समाधिया जी ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर 5 करोड़ रुपए भारत सरकार के पीएम केयर फंड में भारत विकास परिषद ने पूरे देश से एकत्रित करके सदस्यों के द्वारा दिलवाए गए हैं, और यही अपना ये आज का जो प्याऊ है, हर वर्ष यही भाईसूरी जी के निवास पर भारत विकास परिषद भवभूति शाखा के द्वारा स्थायी प्रकल्प के तौर पर यहाँ स्थापित हो रहा है, और ये जो भी राहगीर हैं उनके सेवार्थ आगे काम आएगा, और पशुओं के लिए भी जो आगे पानी की व्यवस्था या अन्य व्यवस्थाएं जो हमारे द्वारा जरूरत महसूस होगी समाज को, उसके लिए भी हम हमेशा तैयार रहेंगे। जैसे कोरोना के दौर में मास्क बांटने के लिए लगातार 1 माह तक भारत विकास परिषद ने प्रत्येक दिन अभियान चलाया, और जिसमें लगभग मैं समझता हूँ कि 2000 मास्कों का वितरण डबरा के उन लोगों को किया जो कहीं ना कहीं वंचित लोग हैं, जो आर्थिक तौर पर जो समृद्ध नहीं है और मास्क नहीं खरीद सकते, ऐसे लोगों को प्रेरणा दी और उनको मास्क दिया।